हिंदू राष्र बनाएंगे और वे वैदिक राष्ट्र बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं वो बेचारे जानते नहीं है, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए। किसके साथ अत्याचार हुआ? मुसलमानों के साथ। कौन कहता मुसलमान को बोलना? साहब ने मनुस्मृति जला दी थी। मनुस्मृति की देन है जो बाबा साहब पढ़ पाए। यात्री नहीं जाते थे, सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमानों को मोदी जी ने दिया। कौन कहता हिंदुओं को लेकर रहा? 5 वर्ष की लड़की या 10 वर्ष की लड़की को मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में रहती है देवदासी बना के। उसके बच्चे तो होते हैं लेकिन किसी के नहीं होते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। देश में यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, कुछ लोग उसके विरोध में हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जनता के हित में है। देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। इसी को लेकर आज समर्थन में हर रोज आप देखते होंगे कि विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होता है। आज जो है जंतर मंतर पर यूसीसी के समर्थन के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और जनता को ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो है यूसीसी का समर्थन करें और यूसीसी देश में जो है वो लागू होना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आप अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यूसीसी में क्यों आना चाहिए? देश की एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसका जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान कर रहे हैं, और यदि मुसलमान करते हैं तो मुसलमान पाकिस्तान में भी तो हैं और बांग्लादेश में भी है, अमेरिका में भी है। क्या मुसलमान इसी में थोड़ी रहते, सब जगह रहते तो वहाँ तो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, यही क्यों है? जब वहाँ समान माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक है, नहीं तो अल्पसंख्यक जो है एक बहुसंख्यक है। दूसरे देशों में अल्पसंख्यक ये चाहते हैं हमें वो अधिकार दे दिए जो बहुसंख्यक को प्राप्त है, लेकिन यह उल्टी गंगा पहाड़ बह रही है। यहाँ बहुसंख्यक कह रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक जैसा अधिकार दे दिए, ये गलत बात है। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये सब किसका किसी का अनहित नहीं है। लेकिन उनको आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ है। किसके साथ अत्याचार हुआ? मुसलमानों के साथ। कौन कहता है मुसलमान को अत्याचार? तो वो अत्याचारी स्वयं है। यहाँ कौन था? तैमूरलंग कौन था और यहाँ चंगेज का कौन था? ये सब मुसलमान ही तो थे। औरंगजेब कौन था? उनका राज रहा, उन्होंने राज रहा, उन्होंने न्याय किया। उनके साथ आज क्या न्याय बता रहे हो? क्या कोई ऐसा है जो हिंदू को मिलता और मुसलमान को ना मिलता हो? ऐसा है मुसलमान को मिलता हो हिंदू को ना मिलता हो, तो उनके साथ अन्याय कहाँ हो रहा? अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है। भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, तो सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। विभिन्नताओं का मतलब ये थोड़ी है कि आदमी आदमी के लिए न्यारी कानून बनाई जाएगी। सब विभिन्नता नहीं है, सब एकता ही है। सबका जन्म एक जैसा होता है, सबकी मृत्यु एक जैसी होती है, सबके दवा एक दी जाती है। मुसलमान के नाम का कोई दवा नहीं दी जाती, मुसलमान के नाम का कोई कैप्सूल नहीं बनाया जाता। सब एक है, परमात्मा ने जो बनाया है सबको एक बनाया है। सबका विधान वेद है, वेद का आधार सब सुनेंगे। अब ये केवल मुसलमानों के लिए, मुसलमान वेद थोड़ी पढ़ेगा, उनके पास कुरान है वो कुरान पढ़ेगा। आप वेद पढ़िए। नहीं, कुरान और वेद क्यों पढ़ा जाए? कुरान सांप्रदायिक ग्रंथ है और वेद है मानव मात्र के लिए। वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, केवल हिंदू के लिए नहीं है। तो वो सबको पढ़ना चाहिए, उसमें विज्ञान युक्त है और कुरान विज्ञान युक्त नहीं है। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे वैदिक राष्ट्र, वैदिक राष्ट्र होगा, वैदिक राष्ट्र। बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं वो बेचारे जानते नहीं है, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए। हिंदू नाम का कोई ग्रंथ नहीं है जिसका आधार हो, और फिर वो नारी जाति को कहते हैं कि भाई गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए, तो तालिबान लाना चाहता। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों ने हमारे देश को गुलाम किया था पहले, और सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गए थे और मुहूर्त नहीं बताई थी। ऐसे नहीं चलता। यहाँ वैदिक राष्ट्र हो, वैदिक आर्य का मतलब है
हम सब आ रही है, आप भी आ रही हो, ये मुसलमान भी आ रही है। अच्छे को कहते हैं आर्य, बुरे को कहते हैं अनार्य। ऐसा नहीं है कि जो गलत करता है वो अनार्य है, जो बुरा है वो अनार्य। लोग पहले ही परेशान है ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने दलितों को सताया है, अब आप जो कह रहे हैं वेद पढ़ाने की, लोग दुखी है इस बात से। ऐसा है, सब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण रावण भी है, हम उसके पुतले जलाते हैं। रावण में राम, ब्राह्मण महर्षि दयानंद भी है। महर्षि दयानंद भी क्या है, ब्राह्मण है। हम उसको मानते हैं, एक का पुतला जला देते हैं, हम ब्राह्मणवादी नहीं है, हम अच्छी व्यवस्थावादी। जो एक अच्छा पुरुष है, आप पुरुष है, वो ब्राह्मण हो कोई भी हो, आप यहाँ देखेंगे यहाँ सब जाति से छुआछूत का विनाश केवल आर्य समाज ने किया। आप देखोगे हर जाति का व्यक्ति है। अब यहाँ मंत्र बोल नहीं थी बेटी, और क्या बागेश्वर धाम वाला कहता गायत्री नहीं बोल सकती, क्यों? वो ढोंग करता है, उसमें हिंदू धर्म नहीं है। पूरे लाखों लोग उनको बाबा मानते हैं, उनकी लाखों लोग जो है उनको बाबा मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी जो सभा लगती है उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। राम रहीम के कितने थे, आसाराम के कितने थे, रामपाल के करोड़ों थे। आप हिंदू होकर जो है लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं, राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं बागेश्वर बाबा को, वो साक्षात हनुमान के रूप है। मैं किसी की भावनाओं का आहत नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ आपने कि उसको लाखों मानते हैं, मैंने कहा रहीम को करोड़ों मानते थे, और जब रहीम को करोड़ों मानते थे, आसाराम को करोड़ों मानते थे, तो ये गणना से आपको बात सही हो सकती है। जिसके पास में विद्या है, विद्या अलग चीज है और भीड़ अलग चीज। अच्छा, यूसीसी पे आप सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यूसीसी बात में लाना, पहले मणिपुर में जो चल रहा है उस पर समाधान करो। आप देख रहे हो मृत्यु दंड दिया जाए, हम मांग कर रहे हैं, हमने लिखा है कि जो बलात्कारी हैं उनके लिए विशेष कोर्ट बना करके और सामूहिक दंड दिया जाए। ऐसे नहीं सामूहिक मृत्यु दंड दिया जाए, जला दिया जाए, हम ये मांग करते हैं। सजा देने के लिए तो संविधान से दिया जाएगा ना, संविधान में संविधान संशोधन हो सकता है ना। वेद का संविधान है, मनुस्मृति कहती है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको उसमें गर्म तख्त पे बांध करके जला देना चाहिए सबके सामने। मनुस्मृति बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी, कोई भी दलित और जो वर्ग है मनुस्मृति को नहीं मानता है। बाबा ने जो मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति में प्रक्षेप था, मनुस्मृति की देन है जो बाबा साहब पढ़ पाए। जो मनुस्मृति बिगाड़ दी गई थी बिगाड़ने वालों के, अब वो मनुस्मृति आर्य समाज के पास में शुद्ध मनुस्मृति है, उसे कोई नहीं जला सकता। अच्छा, कौन सी मनुस्मृति जलाई गई? जो पुरानी थी जिसमें छेपक लगा दिए गए। छेपक क्या है? छेपक क्या है? अपनी जोर से अपनी बात जोड़ देना उसे छेपक। तो आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति के साथ भी छेड़छाड़ किया गया? हाँ, सबके साथ हुआ, मनुस्मृति के साथ छेड़छाड़ हुआ। मनुस्मृति ऐसी नहीं है, वो तो कहता है कि स्त्री को शूद्र को सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। एक बाप मनुस्मृति ये कहती है, एक बाप के चार बेटा हैं और एक बेटा विद्वान है तो पंडित है, क्षत्रिय शरीर सुबल है तो क्षत्रिय आज हो रहा है। मनुस्मृति ऐसे नहीं कहती, जन्म से किसी को पंडित नहीं बनाती मनुस्मृति, कर्म से बनाती। ये लोग क्यों नहीं समझते? कौन लोग क्यों नहीं समझते इन चीजों को? प्रचार ना होने की वजह से, और अपनी पार्टी यानी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सत्य बात ना कह, सत्य बात को कहना नहीं चाहते हैं। सत्य बात तो ये है कि जितना हितेशी आर्य समाज ने छुआछूत मिटाई, किसी ने नहीं मिटाई। तो मोदी तो है ना, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी, पूरे हिंदुओं को जो है संरक्षण दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे।
जितना मुसलमानों को पहले स्कॉलर नहीं मिलता था, जिस मोदी के आने से पहले जितने हज यात्री नहीं जाते थे, सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमानों को हुआ, मोदी जी ने दिया। कौन कहता हिंदुओं को लेकर रहा? तो दिक्कत क्या है मुसलमानों से? क्या नहीं लिख रहा? बेटी पढ़ रही है, 3 तलाक की व्यवस्था किसने दी? जो 370 कश्मीर के अंदर थी, महिलाओं को अगर बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दे, तो आपको क्या दिक्कत है? किसको आपको क्या दिक्कत है? अगर 3 तलाक दिलवाना चाहते हैं तो हम तो दिलवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से आपको दिक्कत नहीं? हमें किसी से दिक्कत नहीं है, उनकी गलत नीतियों से दिक्कत है। क्या गलत नीतियाँ क्या है? बात कहना चाहूंगा, नारी साथ, नारी जाति के साथ में एक MGF आपने सुनी होगी, 5 साल की बेटी के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, तो ये होना चाहिए क्या? ये अनाधिकार चेष्टा, क्या तलाक होना चाहिए? क्या 4-4 शादी होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप जब पढ़ो, उनका अपना कानून है ना, वो उसका कानून कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता है? उनके अपने कानून होते हैं, उनके अपने वेद। अपना कानून पाकिस्तान में चला ले जाके, वहाँ देश इसीलिए बना था। ये भारतीय लोग हैं, भारत ही उनका घर है, भारतीय लोग हैं। भारत का विभाजन इसी आधार पर हुआ था, इसी आधार पर हुआ था। भारत में रहेंगे, सबके लिए कानून है। हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून हो, उनके लिए अलग हो। वो चाहते हैं कि हम भारत में तो रहें लेकिन हम अलग कानून मिले। क्यों अलग चाहो? तो फिर वहाँ चले जाओ जो अलग वाले हैं, यहाँ तो सब वाले, सब वाले साथ रहो। भाई आपको अलग रहना तो अलग है। आप भी तो चाहते हैं कि सबके लिए एक ही कानून हो, आप भी तो हिंदू सारा वेद का कानून लाना चाहते हैं। वो तो विश्व के लिए, मानव मात्र के लिए, वो तो नहीं, वो तो हिंदुओं के लिए होता है। नहीं 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 नहीं, वेद के लिए, विश्व मानव मात्र के लिए, वो हिंदू के लिए नहीं है, नारी के लिए। वो सबसे पुराना ग्रंथ है और सबके लिए बनाया गया, किसी एक के लिए नहीं बनाया। केवल मुसलमान बेटियों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। हमारी मांग है, आप वो पर्चा पढ़ के देखेंगे, जो हिंदुओं की भी बेटी हैं, जो दलितों की बेटी हैं, उनको भी आज की तारीख में भी देवदासी बनाया जाता है। हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हिंदू महिलाओं के साथ ज़्यादा शोषण होता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, घर में देवी बना के रखा जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया जाता। देवदासी बनाया जाता है मंदिरों में, छोटी छोटी बच्ची। देवदासी क्या है? वहाँ पे पता नहीं है, 5 वर्ष की लड़की या 10 वर्ष की लड़की को मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में रहती है, देवदासी बना के। उसके बच्चे तो होते हैं लेकिन किसी के नहीं होते, वहाँ पुजारी के नहीं, किसके नहीं, जो दबंग आदमी होते हैं, कुछ होते हैं। बताइए कितनी बड़ी गलती है, ये होना चाहिए? ये नहीं होना, इसी का विरोध हम कर रहे हैं, इसी का विरोध कर रहे हैं। एक और देखेंगे आप, जैन समाज के अंदर देखिए, 8-8 साल की बच्ची, 5-5 साल की बच्ची भी शादी बना दिया जाता, क्यों? कहीं नहीं दिखता। जब आप 18 साल से पहले शादी नहीं करने देंगे, 18 साल से पहले शादी करने का अधिकार नहीं है, तो 5 साल से मैं के साधु बनाने का अधिकार किसने दे दिया उनको? वो अन्याय उनके साथ में। ऐसे ही मुसलमानों के अंदर जो छोटा बच्चा है उनकी सुन्नत कर दी जाती है, बेटियों के साथ में। आपने अभी नेट पर आप देखना, खैर देखिए या नहीं देखिए, जो MGF है वो क्या है, छोटी छोटी बच्चियों के शिष्यों के गुप्तांग काट दिए जाते हैं। हम उसका कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, हम उस पर कानून बनवाना चाहिए। इसको ये तो बात सामान्य बात है, इस बात चाहे बेटी के साथ में हिंदुओं के में अन्याय हो रहा है, जैनियों में अन्याय हो रहा है, मुसलमानों में अन्याय, कहीं भी अन्याय हो रहा है, हम उस अन्याय के विरुद्ध हैं। हम किसी मुसलमान के विरुद्ध नहीं हैं, किसी हिंदू के विरुद्ध नहीं हैं, किसी जैनी के विरुद्ध नहीं हैं। आप देखेंगे ये नागा हैं, सुना आपने, ये बच्चों को दान ले लेते हैं, छोटे छोटे साधुओं को, और उनको अंग भंग करके के नागा बना देते हैं। तो क्या बनाना चाहिए? क्या ये राजसी व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा। तो साफ तौर पर आपने सुना कि इनका जो कहना है वो वेद जो है वो मानव कल्याण के लिए है, मानव मात्र के लिए है, सबका। UCC का अगर खासकर इनका है कि UCC आना चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनीत आवाज़।